बहुत वीडियो में दिखा होगा यार, अपोलो का H1 है, बट ट्विस्ट क्या है कि जो एलॉय होगा वो मिट्योर नहीं होने वाला इसमें, इसमें कुछ हटके होगा जो आई थिंक आपने यूट्यूब से पहले देखा नहीं होगा। तो ऑलराइट गाइस, ये देख लो टायर का रखना। अगर आप इस साइड देखोगे तो ये है हमारा, इस टायर से मतलब वेयर हो गए, बहुत वीडियो में दिखा होगा यार, अपोलो का H1 है, बट ट्विस्ट क्या है कि जो एलॉय होगा वो मिट्योर नहीं होने वाला इसमें, इसमें कुछ हटके होगा जो आई थिंक आपने यूट्यूब से पहले देखा नहीं होगा। जैसे कि मैं बोल रहा था कि हम एक एक्सपेरिमेंट करने वाले हैं, यूजुअली लोग क्या है, ये वाला जो टायर है ना ये मिट्योर में ज़्यादा प्रेफर करते हैं, बट रीज़न बीइंग क्या है, मिट्योर में जो है ना उसमें ना इतनी विड्थ आ नहीं पाती, जो अब हम जो एलॉय लगाने वाले ना उसमें जो इसका चौड़ापन है ना वो निखर के आएगा, और वो कौन से अलॉय में है ना वो आपको आगे वीडियो में पता चलेगा। सो स्टे ट्यून, उससे पहले एक इसका टायर का अंतिम संस्कार की वीडियो देख लो, तो मिलते हैं। ऑलराइट गाइस, ये देख लो टायर कहाँ रखना पड़ रहा है। तो भाई कोई जगह तो है नहीं रखने की, तो अभी अच्छा खासा बर्नआउट मार के भाई धुआं ही धुआं हो गया भगवान कसम, और अभी भी टायर काफ़ी बचा हुआ है, ग्रिप इतनी मतलब अब उसने ग्रिप पकड़ लिया, बर्नआउट लग भी नहीं रहा यार। और अगर आप लोगों को पता होगा जितनी भी ट्रैक्स होती हैं उसमें रेस से पहले ये हल्का सा बर्नआउट मारते हैं सारे, ताकि ग्रिप अच्छी बनी रहे और लॉन्च अच्छा हो। तो सेम एलिटीज हो गया, टायर इतना सॉफ्ट हो गया, मैंने प्रेस करा है ना हाथ से मेरे प्रेस हो रहा था, वो मतलब ग्रिप इतनी वो हो गई है। बाकी अभी भी टायर बचा हुआ है यार, वहाँ जाके देखूँगा, मन किया तो ख़त्म ही कर देंगे, करना क्या यार अब। और हाँ, आज अपना टायर भी हम स्वैप करेंगे वापस, और दो तीन चीज़ें और होनी अपनी GT में, जैसे कि अपने ब्रेक पैड, मैं परेशान हो गया था यार ब्रेक पैड से, इनसे मज़ा आता नहीं था मुझे रियर ब्रेकिंग में, तो आज मैं चेंज कराने वाला हूँ वो भी, सैलरी उड़ानी पड़ेगी भाई है आधी से ज़्यादा, वैसे आधी से ज़्यादा तो नहीं, ज़्यादा हो गया, बट फिर यार खर्चे तो खर्चे हैं भाई। तो अभी जाते हैं, एक इसके हमारे सस्पेंशन वो शॉकर में भी कुछ ऑयलिंग वगैरह होनी है, लास्ट टाइम मैंने चेक कराया था तो उसने बोला था उसी दिन कर देंगे, एग्जॉस्ट स्वैप करने हैं और ब्रेक पैड चेंज होने और अलॉय, तो भाई है ही है, तेल ख़त्म है आधे टाइम डलवा देंगे। हालांकि वैसे मैं सच बताऊँ मेरा टायर बचा बहुत था यार अभी, क्योंकि मैंने 4000 में पहले चेंज करा दिया था, ठीक है अभी बचा हुआ था, बट रीज़न बीइंग देखो एक चीज़ बताऊँ, सबसे सस्ता टायर है GT का जूम क्रूज जो स्टॉक आता है भाई, अब जो आ रहे हैं वो लिटिल बिट अच्छे हैं, कॉर्नरिंग के लिए अच्छे हैं, ये झांट बराबर भी भाई कॉन्फिडेंस नहीं देता। वॉबलिंग इशू मैं अगर बोलूँ ना, मुझे कहीं ना कहीं लगता है रीज़न विंग इसकी वजह से होता है, लहरती है यार गाड़ी आपको सब बताऊँ तो, क्योंकि मैं इसे 180 लेके जा चुका हूँ बड़े आराम से, और बड़ी बार लेके गया हूँ यार, लहरती है ये, तो आपको ना थोड़ा सा डर लगेगा इसको ना एक्सेलरेट देते टाइम, तो वो चीज़ जूम क्रूज में आती है। और रीज़न बींग देखो ऐसा है कि जो अपने एलॉय है ना, मेन प्रोस्पेक्टिव क्या था, चौड़ा टायर लगवाना, इसकी लुक एनहांस करना यार, 650 cc यार 130 का टायर कोई सेंस ही नहीं है यार, तो ये रीज़न तो है ये चेंज कराने का। बाकी आगे मिलते हैं, शोरूम जा रहे हैं रॉयल एनफील्ड, मिलता हूँ आपसे वहीं से। तो ऑलराइट गाइस, शोरूम हम आ चुके हैं, अब हमारे यहाँ पे हो रही है एग्जॉस्ट स्वैप, तो इसके बाद हमारे टायर की इंस्टॉलेशन होगी। हो
दो हफ्ते बजाए मैंने तो साइलेंस पे गलती से उंगली पे गए तो मुझे क्या कहते हैं शराब दे रहे हैं ताली उंगली 102 103। हाँ हाँ साउंड सुने एक बार। क्या गियर में तो ये 103 लग गए अपने भाई की ड्यूटी में और ये अपने 102 लग गए हैं हमारी ड्यूटी में वापस। अब हो गया हमारा टायर इंस्टॉलेशन। ये इसमें रॉयल एनफील्ड लिखा हुआ है, डूब लग रहा है लग रही है। अच्छा हो ये पीला है लाल वाला ये अच्छा लग रहा है। तो ऑलराइट गाइस एज यू कैन सी ये हमारा अलॉय निकल चुका है। अब ये हमारा टायर इसमें इंस्टॉल होने जा रहा है 150 सेक्शन का, ठीक है। और ट्यूबलेस तो अपना हो ही रहा है और काफ़ी मेहनत करने के बाद फाइनली अंकल जी अब इसे इंस्टॉल कर रहे हैं। थोड़ी दिक्कत आ रही है, दिक्कत तो खैर क्या ही आ रही है, नया टायर है, फिट होने में थोड़ा टाइम तो लेता ही है। तो इसीलिए मैं इसे कट करके लगा रहा हूँ। से देखो कितना चौड़ा लग रहा है यार, देखने में काफ़ी सेक्सी लग रहा है टायर। बाकी ये जो इसमें येलोइश चीज़ है ना, ये काफ़ी अट्रैक्टिव लगी यार मेरे को। ओके तो अपना टायर इंस्टॉल हो चुका है, मतलब प्रॉपर फिट हो चुका है रिम में। हवा भर रहे हैं, थोड़ा पॉपअप हो रही है, फिर इसके बाद इसकी बैलेंसिंग करेंगे अंकल एंड देन उसके बाद हम इसे इंस्टॉल करेंगे अपनी बाइक में और देखेंगे कैसा लग रहा है। हवा भर ली है और अब इसका अलाइनमेंट भी हो गया है। ओके रिपोर्ट है। एक बार इस साइड भी घुमा के जो भी जैसे भी होता है वो कर रहे हैं। ऐसे यहाँ से देखने में थोड़ा छोटा लग रहा है साइज़, बट ये जो चौड़ापन है ना यार, इसी बात के तो पैसे हैं। फाइनल हवा भर रहे हैं 35-33 जो भी रहती है रियर सेक्शन की, वो भर के फिर इसे अब सीधा डायरेक्ट इंस्टॉल करेंगे बाइक के अंदर। ओके ये अपना 130, ये अपना 150 का लुक आ रहा है। हाँ ये अपना 17 इंचेस 18 और वो 17, फर्क तो काफ़ी है। तो ये देखो भाई इसके डिस्कार्ड भी भूल गए थे, मतलब थोड़े से चल जाएंगे, थोड़े का ख़त्म ही है यार, चेंज कराने वाले हो ही गए थे फिर। ठीक है अब इसमें हम इंस्टॉल करवाएंगे वर्षा के इनकी फिटनेस देखो करेगा। ऑलराइट गाइस एज यू कैन सी ये हमारे लग गए यहाँ पे ब्रेक पैड, ठीक है। अब मैं बताता हूँ इसमें रीज़न क्या था। ये जो इसका हंटर का जो हमने अलॉय लगवाया हुआ है ना, इसमें बेसिकली क्या है, जो आपका डिस्प्ले है ना ये आपकी चेंज होती है। और अभी हमने इसमें क्या है जुगाड़ करा है, इसके जो होल्स है ना स्क्रूज ये हमने कटवाए हुए हैं, ठीक है। तो डायरेक्ट फिटिंग नहीं है इसमें, आपको डिस्प्ले नहीं तो चेंज करानी पड़ेगी। बाकी मैं आगे बताता हूँ एग्जैक्ट आराम से कि क्या कराया है, चोट थोड़ा ज़्यादा है लग चुका है भाई, लुक एक नंबर आ रही है। अभी सिनेमैटिक डालूंगा आप देखना, और भी चलाते हुए की भी डालूंगा आप देखना। और लिटरली बता रहा हूँ पिकअप भाई, गाड़ी में बता रहा हूँ बूम बास्टिक हो गई यार, लिटरली बता रहा हूँ। मतलब एक तो एयर फिल्टर का तो था ही, ऊपर से इसने मैंने थोड़ी सी चेन भी टाइट करा दी, उससे भी हल्का फुल्का इम्पैक्ट तो पड़ता ही है, चेन से पिकअप इन्हेंस होता ही है। और दूसरा क्या है इसका वो 20 इंच में स्विच करा है, तो जो इसका वो है ना कम हाइट में ऑब्वियसली पिकअप बढ़ेगा भाई, वो फील हो रहा है ये देख लो। और
भाई ब्रेक जो मैंने वर्षा की लगवाई है ना, मेरे को ऐसा यार कुछ खास फर्क नहीं लगा। अगली बार हम कोई और लगाएंगे, मुझे इसमें भी कुछ खास फर्क नहीं लगा यार, ब्रेक्स का कुछ जुगाड़ करना पड़ेगा। तो ऑलराइट गाइस, अब दिखा दो तुम्हें पावर इसकी। पावर हाउस मजा आ गया भाई, मजा आ गया। देखो ग्राउंड क्लियरेंस तो कम हो गया इसका, आगे से हल्की सी उठ गई है, पीछे से हल्की सी बैठ गई है, वो तो फर्क आना ही था यार 17 इंचीज में स्विच करोगे तो। बट भाई वो ओवरऑल जो है ना गाड़ी हुई एक नंबर हो गई है। देखो पिकअप, देखो तो ऑलराइट गाइस, एज यू कैन सी हमारा फाइनली टायर इंस्टॉलेशन हो चुकी है। खैर मैं पहले भी बता चुका हूँ वीडियो में, बट एक्सेप्टेड हमने हंटर का एलॉय क्यों लिया उसका रीजन मैं क्लियर बता देता हूँ। देखो दो रीजन है। पहला रीजन तो ये है कि जो मिट्योर में 150 का सेक्शन का टायर लगता है ना, वो एक्चुअली 150 लगता नहीं है, होता 150 है। अपोलो के H1 बहुत सारी वीडियोस में आपने देखा होगा, बट प्रॉब्लम क्या आती है ना, अगर आप ध्यान से देखो ये एक्चुअली जितना फैल रहा है ना उसमें फैल नहीं पाता। वो रीजन बीइंग क्या है, जो इसका एलॉय की विड्थ है ना एज कम्पेयर टू जो मिट्योर का है वो ज्यादा है, और वो भी अप्रॉक्स हमने मेजर किया था 1 से 1.25 इंच के अप्रॉक्स है। इस वजह से ना ये देखने में क्या है, थोड़ा ओवर विड्थ लग रहा है तो ओवर इनहेंस हो रही है इसकी लुक, पर एक्चुअल में 150 लग रहा है, ठीक है। और ऑलरेडी अगर किसी को इंस्टॉल करना है ना, तो सिंपल साइज में आपको देखो डायरेक्ट फिट नहीं है एज कम्पेयर टू मिट्योर, उसका डायरेक्ट इंस्टॉलेशन है। इसमें ऐसा कुछ नहीं है, इसमें आपको दो मॉडिफिकेशन करनी पड़ेगी कस्टमाइज, वो मैं बता देता हूँ। पहली तो ये ABS के रिगार्डिंग है, ठीक है। अब इसका अलॉय लगा रहे तो ऑब्वियस इसके बोल्ट भी चेंज होंगे, स्टॉक वाले इसमें लग नहीं पाएंगे, तो ये ABS की पत्ती आती है ये आपको लगानी पड़ेगी। एक्सेप्ट डैट एक और है, अगर तो इसके जो हमने जो इसका डिस्क था स्टॉक लगाना चाहते हो आप, तो उसमें एक छोटी सी कस्टमाइजेशन है, ये जो बोल्ट है ना ये कटेगा आपका। अदरवाइज अगर आपको हंटर का लगाओगे तो वो काफी कॉस्टली है, अप्रॉक्स 3000 का है, तो मैं यही सजेस्ट करूंगा इसको कटवा के लगा लो, और अच्छा वर्क कर रहा है, ब्रेक भी अच्छे से लग रही है। तो ऑलराइट गाइस, यही था इस वीडियो का मतलब मेन मोटो, कि हम कुछ यूनिक करना चाह रहे थे। इससे पहले किसी ने हंटर में लगाया नहीं था, आई थिंक अगर किसी ने लगाया भी होगा एक या दो बंदे ही होंगे, ठीक है। तो ज्यादा रेशियो जो है वो अपना मिट्योर का ही था, तो हमारा जो रीजन था हमने इसीलिए चेंज किया था, एक एक्सपेरिमेंट भी था जो आई थिंक वर्क कर गया प्रॉपरली। अब इसका आगे मैं आपको रिव्यू दूंगा, जैसे अप्रॉक्स 10-15 दिन जो भी चलाऊंगा, फिर हम कंपैरिजन करेंगे इसका अपनी स्टॉक वाली GT के साथ जो नई आ रखी है, ठीक है, कि ये वर्थ इट है पैसे लगाना, क्योंकि इसका जो अलॉय मुझे कॉस्ट करा है ना वो अप्रॉक्स करा है 9600 का, क्योंकि और से थोड़ा महंगा है वो 75 के अराउंड है, ये 96 का है। और टायर तो अपोलो का सबको पता ही है 5500 से 6000 के बीच का ही आता है, ठीक है, ये दो चीज़ें। तो ऑलराइट गाइस, इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं, मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड।